हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट शॉप। आज हम जानेंगे एक ये जो होता है ट्रू कंपास के बारे में। ट्रू कंपास होता क्या है, इसका क्या क्या यूज होता है, और इसमें जितने कंपोनेंट्स होते हैं उसका क्या क्या यूज हम करेंगे, कभी अगर इसका यूज करेंगे तो क्या क्या यूज करेंगे। देखिए, इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं ट्रू कंपास। ट्रू कंपास अगर कोई सर्वे करने जा रहे हैं, कहीं भी हम सर्वे करने जा रहे हैं, तो उस सर्वे में हमको मैग्नेटिक नॉर्थ को ही दर्शाता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन जिधर है उधर इसको दर्शाने के लिए इसका यूज करते हैं हम, इस मैग्नेटिक ये सॉरी ट्रू कंपास का। ट्रू कंपास का देखिएगा, ये ऑरेंज कलर का आता है, ऑरेंज कलर का आता है। इसमें ये ऊपर से ये ग्लास लगा हुआ है और ये जो है निडिल है, और ये निडिल में देखिएगा दो एक तरफ रंगा हुआ रहता है इस रेड कलर का। रेड कलर का जो ये रंगा हुआ रहता है ये मैग्नेटिक नॉर्थ को दर्शाता है। जैसे अगर हम इस ये निडिल इस तरफ है तो ये हमारा नॉर्थ की तरफ है, ये हमारा नॉर्थ को दर्शा रहा है, और इसके जस्ट अपोजिट साउथ, और इसके जस्ट इस साइड अगर लेंगे तो ईस्ट, और ये इधर वेस्ट। और इसमें देखिएगा कि एक ये निडिल है, बीच में ये जो पॉइंट ये जो दिख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं ये पैवोट होता है। पैवोट इस पे पैवोट पे क्या होता है, ये निडिल इधर उधर होता है। देख लीजिए, ये एक स्क्रू रहता है, इसको अगर रिलीज मतलब कस देते हैं तो ये घूमना बंद हो जाता है। मतलब किधर भी लेके जाइएगा, जैसे इधर घुमा रहे हैं इधर घुमा रहे हैं, तो ये ज्यों का त्यों है, क्योंकि इसको रिलीज करने पे पहले देख समझ लीजिए कि अगर ये निडिल है इसको करता है, इसको ऊपर से इसमें निडिल के ऊपर ग्लास लगा हुआ रहता है, ताकि ये आंधी आ रही है तो फिर भी इसको डिस्टर्ब ना पहुँचे, इसके लिए ये ग्लास लगा हुआ रहता है। और उसमें देखिएगा फिर ये ग्रेजुएशन बना रहता है, 0 से 5 इधर और 5 इधर, और इधर भी सेम ग्रेजुएशन रहता है। ग्रेजुएशन मतलब अंकित किया रहता है कितना हमारा कितना नॉर्थ के इस साइड उस साइड दोनों तरफ है। और जैसे ही अभी देखिए, अभी ये फ्री नहीं है, और जैसे ही हम स्क्रू को क्या करेंगे, इसको ढीला कर देंगे, ढीला करने के बाद ये रिलीज हो जाता है। देखिए, ये जो स्क्रू रहता है, ये जो रेड कलर का आपको एक मिनट रेड कलर का नीचे में एक दिख रहा होगा लाइन टाइप का, तो ये रहता है, इसको अगर कसते हैं, इसको कसते हैं स्क्रू को, तो ये कर दे यहाँ से उठ जाता है, और उठने के बाद यहाँ पर ये सट जाता है, उठने के बाद ये पैवेट में सट जाता है, और ये क्या होता है, ये हिलना डुलना अभी जो हिल रहा है डुल रहा है, हिलना डुलना बंद हो जाता है। जैसे अभी हम देखिए इसको हम कस देंगे, ज्यों का त्यों यहाँ पे रह जाएगा, कस दिए अब इसको हम किधर भी ले जाएंगे ये हिलेगा डुलेगा नहीं, इधर ले गए किधर नहीं हिल रहा है, क्यों, क्योंकि पाइवट में ही सट गया है, अब हिलने डोलने नहीं देगा, इसको कोई काम नहीं होगा। और इसको जैसे ही रिलीज करेंगे, रिलीज कर दिए, अब क्या हुआ, ये रिलीज हो गया, वो नीचे से हट गया है, तो अब इधर हम जिसको जैसे घुमाएंगे तैसे तैसे ये घूमेगा निडल, वैसे वैसे घूमेगा नॉर्थ नॉर्थ साइड को दर्शाएगा, ठीक। अब इसका भी यूज़ देख लिए, और इस ग्लास का भी यूज़ देख लिए, ताकि विंड से या के हवा से बचाता है ये स्क्रू हमको, इस जब भी हम हमारा काम हो जाता है तो स्क्रू को कस देते हैं ताकि ये निडिल इधर उधर ना हो, ठीक। बाकी ये बच गया, ये देख ली, ये बच गया, ये रंगा हुआ क्यों है, ये इसके बारे में भी हम बता दिए कि क्यों रंगा हुआ है, क्या कि ये हमारा 0-0 पे मिल जाता है तो नॉर्थ और साउथ को दर्शाता है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दूसरी वीडियो में।